हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआर की स्टडी। जैसा कि देखो, 18 दिसंबर को आपका एग्जाम है, 18 दिसंबर को आपका एग्जामिनेशन है। आईयूसीएल पाइपलाइन 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग हम इसमें करेंगे और 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको देखो 5-6 दिन रह गए हैं लगभग, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक लगातार सीरीज करवा दूँ और नॉन टेक भी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो सेट वन रहेगा, जल्दी जल्दी कर लेते हैं अपन, ठीक है, रिविजन। तो यहाँ पे देखो एक ऑफर है जो लिमिटेड है। अभी आईयूसीएल पाइपलाइन का अप्रेंटिसशिप का कोर्स जो है, मैंने अपने एप्लीकेशन में पूरा का पूरा करवा रखा है, ठीक है। सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको ये ऑफर है वो मिल जाएगा। तो आप इसमें वीडियोज़ हैं, पीडीएफ है, टेस्ट सीरीज, इसमें सारी आपको प्रोवाइड करी जाएंगी, ठीक है। कोई भी अगर आपको डिस्कशन करना है, मेरे मोबाइल पे नंबर पे ये लिखा है 9045705891 पे कॉल कर सकते हैं। ये जो पाइपलाइन की वैकेंसी है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल ऑटोमोबाइल के लिए एप्लीकेबल रहेगी और प्रोडक्शन के लिए नहीं रहेगी, ठीक है। तो प्रोडक्शन वाले ना लें तो अच्छा है। तो एप्लीकेशन के लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अपना फाउंडेशन कोर्स है, ठीक है, ये भी आप देख सकते हो। उसमें पूरा मिल जाएगा आपको, वीडियो फ्री है, दो वीडियोज मैंने फ्री रखा है उसमें। तो एक बार आप आईसी इंजन में वहां पे करा रहा हूँ, आईसी इंजन पूरा डिटेल में करा रहा हूँ विद एनिमेशन, एनिमेशन में मैं करा रहा हूँ, तो देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, मैं वीडियो को रिकॉर्डेड ले रहा हूँ, जिससे क्या है कि कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि देखो लाइव में आता है नहीं कोई भी, क्या मतलब रहेगा। तो मैं सोच रहा हूँ वीडियो रिकॉर्डेड ही कराऊँ जल्दी जल्दी, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी टू मास डेंसिटी इज नॉन एज, क्या हो सकता है? गतिज सांद्रता द्रव्यमान घनत्व के अनुपात से अनुपात क्या कहलाता है? विस्कोसिटी इंडेक्स, स्पेसिफिक विस्कोसिटी, काइनेमिक विस्कोसिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन अपना हो जाएगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होती है, ठीक है, लिख दे रहा हूं मैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी स्मॉल वी से करते हैं, क्या होता है? म्यू अपन रो। और म्यू जो होती है वो डायनामिक विस्कोसिटी होती है, डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन यहां पे डेंसिटी होती है, ये डेंसिटी, ठीक है। और डेंसिटी जो होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, सबको पता होना चाहिए, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है, ये चीज हो गई। एंड यूनिट अगर हम बात करें इसकी, यूनिट की, यूनिट यूनिट की बात कर रहा हूँ, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है, ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। सीजीएस में अगर मैं बात करूँ, सीजीएस, सीजीएस में क्या होता है? सीजीएस में आपका हो जाएगा क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड होगा, या फिर स्टॉक कहेंगे, स्टॉक। तो एक स्टॉक बराबर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक स्टॉक बराबर क्या हो जाएगा? 10^-4, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इसके रिगार्डिंग, क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो मैंने आपको बता दिया। चलो यहाँ पे देखिए, द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस टू फ्लूड इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द, ज्ञात करने के लिए किसी द्रव के बल्क मापांक की आवश्यकता होती है, क्या ज्ञात करने के लिए? मैक नंबर, ठीक है। और मैक नंबर जो होता है वो क्या होता है बताइए? इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया फोर्स अपॉन हो जाएगा आपका यूलर फोर्स, यूलर फोर्स, ठीक है, यूलर फोर्स हो जाएगा। एंड मैक नंबर जो होता है वो एम बराबर क्या होता है? वी अपॉन सी होता है। वी क्या होता है अपना? वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड। एंड सी जो हो जाएगा अपना वो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा कर्सर थोड़ा प्रॉब्लम ले रहा है अभी लिखने में, पेंडिंग ले रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और जो सी है वो सी क्या है? सी पता है क्या है? सी बराबर होता है के अपॉन रो होता है। तो ये आप याद रखना, के जो हो गया आपका बल्क मॉडुलस होता है, बल्क मॉडुलस होता है, ठीक है। और डेंसिटी होती है ये, और डेंसिटी आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम होती है, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, किलोग्राम पर मीटर, मीटर क्यूब। चलो आगे देखिए क्या कह रहा है। द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट टू स्टैंडर्ड फ्लूड इज नॉन एज, बहुत ही ईजी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं इसको, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये सारी चीज़ें होगी इंपॉर्टेंट है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फॉर वाटर के लिए, फॉर वाटर, वाटर के केस में 1 होता है, ठीक है, एंड इसका कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट, तो ये ध्यान रखना, कोई भी यूनिट नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ बैटल शिप। तो बैटल शिप के लिए मेटासेंट्रिक जो हाइट होती है वो कितनी होती है बताइए?
1 पॉइंट क्या हो जाएगा, 1.0 यहाँ पे पॉइंट लगेगा, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगेगा 1.02 1.5, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगेगा। तो बी आंसर अपना हो जाएगा 1.0 मीटर से लेके 1.5 तक होता है, मेटा सैंड का है बैटल शिप के लिए। एंड कमर्शियल शिप के लिए पूछे, कमर्शियल शिप जो व्यापारिक जहाज होते हैं उनके लिए कितनी होती है, वहां पे होती है भाई 0.3 मीटर टू 1 मीटर, ठीक है। मेटासेंट्रिक हाइट, ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड मेटा सेंटर जो होता है वो क्या होता है, मेटा सेंटर से क्या होता है, मेटा सेंट्रिक एक ऐसा पॉइंट होता है जो बॉडी को ऑसिलेटिंग करता है, ठीक है, दोलन कराता है, ये चीज हो गई, ठीक है। डिटेल वाला अगर वीडियो देखना है तो डिटेल वाला वीडियो मैंने एप्लीकेशन में सारी चीज करा रखी है, सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे पाइपलाइन में, ठीक है। इसके बाद देखिए, फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ ए पाइप डिपेंड्स अपॉन, फ्रिक्शन फैक्टर जो होता है वो किस पर डिपेंड करेगा, रेट ऑफ फ्लो, फ्लूइड डेंसिटी, विस्कोसिटी एंड ऑल ऑफ ऑप्शन आर करेक्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ठीक है। फ्रिक्शन फैक्टर आपको मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, फ्रिक्शन फैक्टर जो होता है वो स्मॉल एफ से करेंगे, और स्मॉल एफ इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, वो होता है अपना 64/RE, रेनॉल्ड्स नंबर होता है, ये होता है लैमिनार फ्लो के लिए, लैमिनार फ्लो, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आपको फ्रिक्शन फैक्टर अगर आपको पूछा जाए जैसे फॉर टर्बुलेंट फ्लो के लिए, टर्बुलेंट फ्लो के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.316 यहाँ पे हो जाएगा अपना RE, रेनॉल्ड्स नंबर की पावर 1/4, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। चलो आगे देखते हैं, आगे देखिए, कह रहा लो स्पेसिफिक स्पीड टू टर्बाइन इम्पल्स इट इज, लो स्पेसिफिक स्पीड किसकी होती है, तो प्रोपेलर टर्बाइन, ट्रांसिट टर्बाइन, इम्पल्स टर्बाइन। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इम्पल्स टर्बाइन, ठीक है, इम्पल्स टर्बाइन। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिक स्पीड लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे टर्बाइन हो जाएगी, टर्बाइन यहाँ पे स्पेसिफिक स्पीड, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना इम्पल्स टर्बाइन, ठीक है। और इम्पल्स टर्बाइन होगा, फ्रांसीसी टर्बाइन, इसके बाद तुम्हारा हो जाएगा कपलान टर्बाइन। तो इसकी स्पेसिफिक स्पीड जो होती है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे होगी 10 से लेके 60, ठीक है, यहाँ पे होगी 60 से लेके यहाँ पे हो जाएगी 300, 300, ठीक है, कितनी हो जाएगी 300। एंड यहाँ पे हो जाएगी अपने 300 से लेके यहाँ पे 1000 के बीच में, ठीक है, लगभग लगभग ये होती है आपकी स्पेसिफिक स्पीड। तो आपको ये पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 7 7 देखिए, फॉलोइंग इज द इनवर्ड मिक्स फ्लो रिएक्शन टर्बाइन इज, इनवर्ड फ्लो मिक्स फ्लो कौन सी टर्बाइन होती है, पेल्टन टर्बाइन, फ्रांसिस टर्बाइन, कपलान टर्बाइन, या आपका नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, फ्रांसिसी टर्बाइन, ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, कह रहा है कूलेंट पंप आर यूज आर फॉर, कूलेंट पंप जो होते हैं वो कौन से होते हैं बताइए, सेंट्रीफ्यूगल पंप, वैन टाइप, रेसिप्रोकेटिंग टाइप एंड ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेंट्रीफ्यूगल टाइप, ठीक है, ए ऑप्शन इसका हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल टाइप। तो चलिए आगे आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पंप इज नॉट ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। ये देखो ध्यान से देखो, ये कह रहा है नॉट ए पॉजिटिव, तो नॉट ए पॉजिटिव पंप हो जाएगा अपना सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। अब अगर आपको पूछे सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है वो रोटो डायनामिक पंप में आता है, रोटो डायनामिक पंप में आता है या फिर टर्बो पंप में आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्बो पंप, ठीक है, टर्बो पंप हो गया। एंड यहाँ पे एक और पूछा जाता है आपको, यहाँ पे पूछा जाता है रोटरी पंप, अगर आपको पूछा जाए रोटरी पंप, ठीक है, तो रोटरी पंप हमारे कौन कौन से हो जाएंगे वो आपको याद रखने हैं। रोटरी पंप हो जाएगा गियर पंप, ठीक है। एंड आपको आगे स्क्रू पंप भी देगा, स्क्रू पंप, ठीक, इसके बाद आपको वैन पंप,
ठीक है, ये सारी चीजें हो जाएंगी, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं कुछ नंबर, यहाँ पे हम देखेंगे 10। बैकवर्ड कर्व वेन आर यूज इन, बैकवर्ड कर्व वेन जो होते हैं, ठीक है, बैकवर्ड कर्व वेन जो होते हैं वो किस में होता है? ये वेन हो, वेन मतलब ब्लेड हो गया, ठीक है। बैकवर्ड कर्व वेन जो होते हैं वो किस में होते हैं? सेंट्रिफ्यूगल पंप में होते हैं, सेंट्रिफ्यूगल पंप में। डिटेल में पढ़ा चुका हूँ सारी चीजें मैं, देखिए आगे चलते हैं। ए हाइड्रोलिक रैम एक्ट लाइक, हाइड्रोलिक रैम जो होती है किसके मतलब उस पर करती है एक्ट, कैसे करती है? सेंट्रिफ्यूगल पंप, रोटरी पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड एन इम्पल्स पंप, बताइए। 11 का क्या आंसर हो जाएगा अपना? एन इम्पल्स पंप की तरह, इम्पल्स मतलब इम्पल्स, इम्पल्स देगी ना हाइड्रोलिक रैम, ठीक है। एंड पास्कल लॉ पे वो करती है ये, ठीक है, पास्कल लॉ पे एक्ट करती है। बाकी आगे देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, एंट्रोपी, विस्कोसिटी, टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, विच द डेवलप प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम आर एक्सटेंसिव। तो क्या आंसर होगा इस यहाँ पे? क्वेश्चन कुछ गलत लिख गया है क्या? क्या कह रहा है? स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पूछ रहा है आपसे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी भाई? एंट्रोपी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन। चलिए यहाँ पे देखिए कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप डिफाइन द हेल्म होल्ट्ज फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हेल्म होल्ट्ज जो फंक्शन है एफ बराबर, ये अपना कौन से चैप्टर में आता है? ये आता है स्टीम वाले चैप्टर में, तो स्टीम वाले चैप्टर में आता है एफ बराबर यू टी, यहाँ पे हो जाएगा एफ बराबर यू माइनस टी एस, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे यू है वो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, और यहाँ पे टी हो गया वो टेम्परेचर हो गया, एंड यहाँ पे एस होगी वो एंट्रोपी होगी, और एंट्रोपी होती है वो डी एस अपॉन डी क्यू होती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस लाइक ए प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी इन थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स आर, ऊष्मागतिक निर्देशांकों में पदार्थों के गुणधर्म, दाब, तापमान या घनत्व होते हैं, पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन, साइकिल फंक्शन या रियल फंक्शन। करेक्ट आंसर अपना क्या हो जाएगा? ये सब जो होते हैं वो पॉइंट फंक्शन होते हैं, ठीक है। एंड पाथ फंक्शन कौन कौन से, तो वो मैं बता दे रहा हूँ, पाथ फंक्शन यहाँ पे निकाल देना, देखो वर्क ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर और यहाँ पे हीट ट्रांसफर, ये अपने पाथ फंक्शन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या आ रहा है, ये साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, द हीट ट्रांसफर आर 15 किलो जूल, माइनस के 23 किलो जूल, माइनस का 3 किलो जूल एंड 40 किलो जूल, व्हाट इज द नेटवर्क, ठीक है। साइक्लिक जो प्रोसेस होता है ना, साइक्लिक प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी जो होती है हमारी डी यू होती है वो जीरो होती है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट लॉ जो होता है वो डी क्यू इजिकल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है, ठीक है। जब डी यू जीरो है, यहाँ पे डी यू बराबर जीरो हो गया, तो हमारा जो होगा डी क्यू इजिकल टू डी डब्ल्यू, ठीक है। तो हमारा जो नेट वर्क होगा वो हम जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे सब, ठीक है। तो 15 माइनस का 23 माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3 एंड यहाँ पे प्लस 40, ठीक है, ये हो गया। तो कितना हो जाएगा? 40, 40 और 15 कितना? 40, 50, 55, 55, 55 माइनस का 23 और 3 कितना हो गया? 26, कितना बचेगा? 29, ठीक है, 29 बचेगा, तो 29 बी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एट द ट्रिपल पॉइंट विच ऑफ द फेज ऑफ वाटर एग्जिट, तो ठीक है, ट्रिपल पॉइंट पे हमारे तीन फेज क्या होते हैं, तीन फेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम होता है, यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, यहाँ पे होते हैं, जहां पे क्या है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑप्शन करेक्ट। ट्रिपल पॉइंट प्रेशर आपको पूछा जाए तो कितना हो जाता है? 0.611 किलो पास्कल। एंड ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर पूछा जाए आपको, ट्रिपल पॉइंट पे टेम्परेचर वाटर का, ठीक है, तो हो जाता है कितना हमारा? 273.16 केल्विन, तो ये अपना हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है,
विच ऑफ द सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड एज ए प्योर सब्सटेंस, कह रहा है विच ऑफ द सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड प्योर सब्सटेंस, ह्यूमिड एयर, सॉलिड सैंड इन वाटर एंड बेकिंग सोडा। तो प्योर सब्सटेंस हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है द प्रोसेस ऑफ ए ड्रेनिंग स्टीम ऑफ ए हीटिंग द फीड वाटर इज नॉन एज, फीड वाटर को गर्म करने के लिए भाप निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ब्लीडिंग कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखो मैं आपको बता दूं, टरबाइन की जो लाइव स्टीम होती है, जैसे मान लो ये टरबाइन है, ठीक है, मैं थोड़ा समझा रहा हूं, टरबाइन 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 टरबाइन, थोड़ा ऐसे ही बना रहा हूं, ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा समझ जाना, दिस इज अ टरबाइन। तो हमारी जो स्टीम होगी इसके ऊपर जो पड़ेगी स्टीम कैसी होगी, लाइव लाइव स्टीम होगी, इसको स्टीम को जो किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं हम, फीड वाटर को हॉट करने में, ठीक है, जो फीड वाटर जो होगा हमारा उसको हॉट करने में यूज कर रहे हैं, फीड वाटर को हॉट करने में यूज कर रहे हैं, दिस इज द प्रोसेस जो होगा वो होगा ब्लीडिंग, ठीक है, दिस प्रोसेस इज ब्लीडिंग, तो ब्लीडिंग इज द करेक्ट आंसर बी। चलो कह रहा है रैंकाइन साइकिल कंसिस्ट ऑफ ए फॉलोइंग प्रोसेस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रैंकाइन सारे साइकिल में करा चुका हूं तो एक बार देख लीजिएगा, ऑल साइकिल आप मैकेनिकल अफेयर्स करके सीरीज देखिए जल्दी से, लाइव सीरीज मैंने करा रखी है, 25 वीडियो है उसके, 25 वीडियो है, आपको क्या करना है मैकेनिकल अफेयर्स देखो, मैं आपको चीजें बता दूं, थोड़ा सा फॉलो कर लो आप सभी लोग, मैकेनिकल अफेयर्स बाई एम आर के स्टडी, ये आप फॉलो कर लेना, पूरा 25 वीडियोस है यहाँ पे, 25 वीडियोस मैंने दे रखे हैं तो आपको फॉलो करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, टू आइसेंट्रॉपिक होता है एंड टू कांस्टेंट प्रेशर होता है, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर की जगह पे टू आइसोबैरिक भी लिखा होगा, आइसोबैरिक, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे पिस्टन रिंग आर जनरली मेड ऑफ फॉलोइंग मटेरियल, तो पिस्टन रिंग जो होती है वो किसकी बनी होती है, ये आपको पता होना चाहिए, कास्ट आयरन की बनी होती है, कास्ट आयरन इज द करेक्ट आंसर। एंड यहाँ पे सिलेंडर जो बना होता है, सिलेंडर इंजन सिलेंडर, इंजन सिलेंडर वो भी कास्ट आयरन का बना होता है, कास्ट आयरन, ठीक है, कास्ट आयरन का बना होता है। तो ये अपने 20 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन इसमें टाइम नहीं हो पाए, कोई दिक्कत नहीं, कल कर लेंगे। तो हमारा जो ऑफर है आपको पता होना चाहिए, मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ, आप हमारे वीडियोस को फॉलो करिए और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एक बार कोर्स जरूर देखिए, ठीक है, आपको एक 99 वाला एक फाउंडेशन कोर्स है उसको भी देखिए, मैंने विद एनिमेशन से अच्छे से कराया है, उसमें आईसी इंजन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड बहुत ही बेस्ट ऑफर है आपका 99 में मैंने कर दिया, ये मैंने पता है 250 रुपये का बेचा है, ठीक है, 250 को क्रॉस करके 99 कर रखा है मैंने, तो आप इसको जल्दी से परचेज कर लीजिए, अभी आपके पास टाइम है, और जल्दी से जल्दी वीडियोस देख लीजिए, इसके जितने भी हैं वीडियोस हैं या पीडीएफ है या टेस्ट है, तो किस तरीके से आते हैं वो फॉलो करिए, आपको एकदम से मस्त सिस्टम हो जाएगा आपका, ठीक है, बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसकी पीडीएफ भी मैं कहाँ पे दूंगा, टेलीग्राम पे भी दे दूंगा और एप्लीकेशन पे भी पीडीएफ दे दूंगा इसकी, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा जिससे कि आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड हो सके, फ्री सेक्शन में पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, ठीक है, ये तो डिटेल वाला नहीं है मैं, लेकिन डिटेल वाली वीडियो है वो मैंने उसमें करा रखे हैं, ठीक है, तो वो देखिए, वो जरूरी है। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सभी लोग सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है, चलिए।